हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देने के बेशक दावे करती है, परंतु हकीकत कुछ और ही बयां करती है। चंबा जिला के अंतर्गत आने वाली राजकीय आदर्श प्रेस पाठशाला खुश नगरी स्कूल पिछले कई सालों से आदर्श स्कूल बन गया है, परंतु आज भी इस स्कूल की बहुत ही खस्ता हालत है। स्कूल के बच्चों के बैठने के लिए कमरों की उचित व्यवस्था नहीं है, ना ही स्कूल में स्टाफ पूरा है, फिर ये कैसा मॉडल स्कूल है। वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों का कहना है कि हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी है और हमारे स्कूल में बैठने के लिए उचित कमरे भी नहीं है और ग्राउंड भी अच्छा नहीं है। अगर हमारा मॉडल स्कूल है तो हमें मॉडल स्कूल जैसी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, परंतु मॉडल स्कूल होने के बावजूद भी हमें मॉडल स्कूल जैसी एक भी सुविधा नहीं मिलती है। इसलिए सरकार और प्रशासन से मांग है कि अगर ये मॉडल स्कूल है तो मॉडल स्कूल जैसी ही सुविधाएं हमें उपलब्ध करवाई जाएं। मेरा नाम सरता पर्याल है, मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुश नगरी में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में अध्यापकों की कमी है और मेरे स्कूल में पूरी बजरी भी नहीं पड़ी है और कमरों की भी कमी है। यहाँ पे पढ़ाई तो बहुत अच्छी चलती है लेकिन स्टाफ पूरे नहीं है। मेरा नाम हीना भारद्वाज है, मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुशनगरी है। मेरे विद्यालय के सभी अध्यापक हमें अच्छी तरह से पढ़ाते हैं लेकिन ऐसे कुछ विषय हैं जिसमें पूरे अध्यापक नहीं है। हमारे स्कूल में 11वीं कक्षा के लिए कमरे अधिक नहीं है, कम है। मेरा नाम गायत्री भारद्वाज है, मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुशनगरी है, परंतु हमारे स्कूल में स्टाफ की बहुत ही कमी है। हमारे स्कूल में पानी भी बहुत कम आता है। हमारे स्कूल में प्लस वन कक्षा के लिए कोई भी कमरे नहीं है, उनके बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं है। हमारे स्कूल में जब बारिश होती है तो हमें बारिश में भीगना पड़ता है, हमारे लिए कोई भी कमरे का इंतज़ाम नहीं होता है। हमारे स्कूल को मॉडल तो कहा गया है परंतु हमारे स्कूल में मॉडल स्कूल जैसे कोई भी सुविधाएं प्राप्त नहीं है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अगर हमारा स्कूल मॉडल है तो हमें मॉडल स्कूल की तरह सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एसएमसी कमेटी अध्यक्ष व एसएमसी कमेटी मेंबर का कहना है कि पिछले कई सालों से स्कूल मॉडल बन चुका है, परंतु मॉडल स्कूल के नाम पर हमें ठगा जा रहा है क्योंकि इस स्कूल में मॉडल स्कूल जैसी कोई भी सुविधा नहीं है। बच्चों के बैठने के लिए कमरे नहीं है, स्टाफ भी बहुत कम है जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मॉडल स्कूल के बारे में हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज से जब वार्तालाप किया गया तो उन्होंने 15 दिनों का आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर इस स्कूल को मॉडल स्कूल जैसी सुविधाएं देंगे, परंतु आज तक हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज के वह 15 दिन नहीं हुए। इसलिए वह चाहते हैं कि अगर मॉडल स्कूल है तो मॉडल स्कूल जैसी सुविधाएं बच्चों की दी जाएं। मेरा नाम नजमा बेगम, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एसएमसी प्रधान। ये स्कूल तो मॉडल स्कूल है लेकिन यहाँ मॉडल स्कूल के जैसे कोई भी सुविधा नहीं है, ना बच्चों के लिए बैठने के लिए रूम है, ना टीचर हैं। या तो इसे सही रूप से मॉडल स्कूल किया जाए या मॉडल स्कूल का नाम हटा दिया जाए। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि यहाँ पे स्टाफ की पूरी सुविधा दी जाए और बैठने के लिए बच्चों के लिए रूम दिए जाएं। मैं लियाकत अली एसएमसी मेंबर हूँ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुशनगरी में। तो हमने पहले भी काफ़ी मर्तबा जो है इसके बारे में बताया है कि यहाँ रूम की काफ़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, बच्चे जो है बाहर रहते हैं ग्राउंड में, और टीचर की काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल तो है लेकिन गवर्नमेंट मॉडल स्कूल जैसी कोई भी फैसिलिटी यहाँ नहीं दी जाती है। इसलिए हम सरकार से हमारा अनुरोध है कि यहाँ गवर्नमेंट मॉडल स्कूल जैसी फैसिलिटी दी जाए और बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ ना किया जाए। यहाँ पे हमने हमारे माननीय उपाध्यक्ष हंसराज जी को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया था और उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर जो है हम आपके रूम की प्रॉब्लम को दूर करेंगे और टीचर की प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे। लेकिन आज जो है काफ़ी वक्त हो गया है, 6-7 महीने 8 महीने होने को आए हैं, ना कोई यहाँ रूम की फैसिलिटीज़ है ना कोई स्टाफ की फैसिलिटीज़ है। तो हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी अनुरोध है कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट मॉडर्न स्कूल जैसी फैसिलिटीज़ दी जाए। मॉडल स्कूल के लिए जो यहाँ पर जो मॉडल स्कूल है अस्थायी रूप से चलाया गया है और इसके लिए जो ज़मीन है गांव इलवास में चिन्हित की गई है, वो उसके कार्यवाही चल रही है सरकार जो है सरकार के नाम ज़मीन करने की फॉरेस्ट लैंड को। और जैसे ही हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा वहां पर कोई निर्माण कार्य के आदेश होंगे वो उसके अनुसार काम करेंगे।